नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फल, सब्जी और दूध का अलग अलग रंग और अलग अलग स्वाद क्यों होता है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि गाजर का रंग अलग क्यों होता है, गाजर का स्वाद अलग क्यों होता है, और किसी सब्जी का पूछ दिया जाए आलू का रंग अलग क्यों होता है, आलू का अलग स्वाद क्यों होता है, इस तरह से पूछ दिया जाता है। दोस्तों आखिर उसमें ऐसा क्या मौजूद होता है, क्या होता है उसमें जिस वजह से इसका अलग अलग रंग और अलग अलग स्वाद होता है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू में देख सकते हैं हल्दी का पीला रंग दोस्तों कुरकुमिन की वजह से होता है। इसको मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन को मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो यहाँ पे हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन मौजूद होने की वजह से होता है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि हल्दी कड़क कड़क होता है। हल्दी अगर आप देखे होंगे तो हल्दी जो होता है कड़क कड़क होता है, तो कड़क यहाँ पे कुरकू से आप समझ में आएगा आपको कड़क कड़क यहाँ पे कड़क कड़क से ही आपको पता लगाना है कुरकुमिन। तो हल्दी का पीला रंग कड़क कड़क यानी कुरकुमिन की वजह से होता है कुरकू। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं मूली का तीखापन क्यों होता है, तो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। तो आप यहाँ पे कैसे याद रख सकते हैं, क्या आप इस तरह से आपको याद रख सकते हैं कि अगर आप मूली खाते हैं तो अगर कोई तीखा मूली खाते तो आपको तीखा लगता है, तो आय से मतलब आंसू आने लगता है जिसके कारण हमारी आय जो होता है सूज जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आप तीखा मूली खाइएगा तो आय सूज जाएगी, आय से आंसू आने लगेगा। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है और उसके बाद सोसा लिखा हुआ था, आय सोसा से समझ लिया आय सूज जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं आंवले का कसेलापन क्यों होता है, आंवला हमें कसेला क्यों लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंवला जो होता है हमेशा पेड़ में होता है, अब पेड़ में होता है तो पेड़ में टहनी होता है और वहाँ पे फल कहाँ लगते हैं, तो टहनी में ही लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेनिन को आप टहनी समझ लीजिए, तो आंवले का कसेलापन टहनी में लगने की वजह से होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। तो अक्सर आप देखे होंगे बहुत सारे आलू में एक दो आलू हरा रंग का होता है, तो अक्सर आपको हरा आलू दे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हरा आलू खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह से आपको लगता है हरा आलू खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति हरा आलू खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है, तो उसको क्या करता है नींद में सोने लगता है। तो यहाँ पे सोले नींद लिखा हुआ है, तो सोले को समझ लीजिए सोने और नींद को समझ लीजिए नींद, तो नींद में सोने लगता है सोने नींद। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं पपीता का पीला रंग कैरिका जैथिन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्सर आप पपीता खाए होंगे तो कभी कभी आप उसका पपीता अच्छे से नहीं छीलते हैं तो छिलका भी खा लेते हैं, या फिर पपीता का अगर कोई पत्ता खा के देखिएगा तो आपको यहाँ पे आपको करी के पत्ते के जैसा लगेगा, आपको मतलब तीता लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा, आपको तीता लगेगा, तो करी के पत्ते के जैसा ही लगेगा, इसलिए कैरिका जैथिन यहाँ पे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। पपीता का पीला रंग कैरिका जैथिन की वजह से होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का सफ़ेद रंग केसिन की वजह से होता है। आप यहाँ पे इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दूध कौन दूहता है, दूध किसान लोग दूहता है, किसान जाके दूध दूहता है, तो इस तरह से आप यहाँ केसिन लिखा दे, केसिन को किसान बना दीजिए, तो यहाँ पे के को यहाँ पे की लगा दीजिए और यहाँ सन कर दीजिए, किसान बना दीजिए, केसिन से किसान उसी से मिलता जुलता वर्ड है। आगे आप देख सकते हैं खीरे का कड़वापन कुकरबिटेसिन की वजह से होता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आपको खीरा खाने के लिए दे दिया जाए तो कभी कभी खीरा कड़वा लगता है, तो कड़वा मतलब जो आखिरी रहता है लास्ट में रहता है तो कड़वा लगता है, जो हरा हरा रहता है लास्ट में, तो इस तरह से अगर कड़वा लगता है तो आप क्या करेंगे, अब उसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ कुकर लिखा हुआ है और दो लेटर लीजिएगा तो यहाँ दो अक्षर तो कुक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुक कर लीजिएगा कुकर में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, मिर्च का तीखापन और मिर्च का लाल रंग क्यों होता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप्सिकम, तो इसी से ट्रिक बनेगा। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं मिर्च का तीखापन, तो मिर्च अगर आप तीखा मिर्च खा लेते हैं तो क्या होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है, आपका आय से आंसू आने लगता है, मतलब आय आप मचलने लगते हैं इस तरह से। तो
तो आए मतलब आंसू आने लगता है कुछ, तो क्या होता है उस स्थिति, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा, कोई भी सीन नहीं दिखाई देगा। तो कैप्सिसिन यहाँ पे याद रख सकते हैं, और एक बच गया कैप्सिसिन, तो कैप्सिसिन बच गया तो मिर्च का लाल रंग इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं कि लाल रंग वाला जो मिर्च होता है वो पतला पतला होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं करेले का कड़वापन, करेले का कड़वापन क्यों होता है, तो करेले का कड़वापन यहाँ पे मेमोडी कोसाइट की वजह से होता है। आप सबको पता है कि करेला बहुत कड़वा होता है, इसलिए बहुत लोग इसे नहीं खाते हैं, ना ही पीना चाहते हैं इसका जूस। तो अगर आप इसका जूस पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है फिर भी आप इसका जूस पी लेते हैं तो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई आप इस तरह से याद रखते हैं तो मेमोरी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी मेमोरी कोसाइट, तो मेमोरी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देख सकते हैं गाजर का नारंगी रंग, तो गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है, तो इंग्लिश में गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट बोलते हैं। तो कैरोट से ही आप सिंपल से याद रख सकते हैं कैरोटीन, तो यहाँ पे कैरोट लिखा होगा, कैरोट यहाँ पे कैरोटी, तो उसी तरह से कैरोटीन बना दीजिएगा यहाँ पे। और गाजर का लाल रंग और सेब का लाल रंग, इन दोनों का वजह के कारण क्या है, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से गाजर का लाल रंग और सेब का लाल रंग, इसे आप याद रख सकते हैं। और आगे आप देख सकते हैं टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो यहाँ पे आप लाइकोपिन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हैं, ला को लाल बना सकते हैं, यहाँ पे को रहने दीजिए और पिन को पीना बना दीजिए। तो यहाँ टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रंग को पी जाता है टमाटर, इसलिए लाल रंग टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर पूरी तरह से लाल होता है, बहुत ज़्यादा लाल होता है, तो यहाँ पे लाइकोपिन की वजह से याद रख सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा लाल रंग, तो लाल से ही आपको याद आ जाएगा कि लाल से लाइकोपिन बना दीजिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, और दोस्तों इस प्रकार की रेगुलर वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।